वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। द वर्ड इम्यून डिफिशियंसी, इम्यून का मतलब क्या होता है? सिग्निफाइज दैट द इम्यून सिस्टम बिकम अ वेरी वीक। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, इम्यून डिफिशियंसी का मतलब होता है एड्स में हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में वीक हो जाती, इतनी ज़्यादा वीक हो जाती कि इसका जो वायरस होता है, इसका जो पैथोजन है होता है वो तो इंटर करता ही हमारी बॉडी में, और हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती कि साथ साथ में और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पैथोजन हमारी बॉडी पे क्या करने लगते, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट आर द मेन सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, दैट इज टी लिम्फोसाइट। इसमें जो लिम्फोसाइट होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें से टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और बी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट प्ले अ ग्रेट रोल इन रेगुलेटिंग द इम्यून सिस्टम। हेल्पर, ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल में, और एड्स में यही ही होता है। इसमें जो पैथोजेन होता है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर को इतना ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, इतना ज़्यादा डिक्रीज कर देता है कि हमारी बॉडी उस पैथोजेन से फाइट ही नहीं कर पाती है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि एड्स में हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर ही क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से डिजीज में हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज होते हैं, दैट इज एड्स। देन नेक्स्ट इज द इट इज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका। सबसे पहले एड्स कहाँ पे रिपोर्टेड हुआ था? अमेरिका में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? 1981 में। नीट में एमसीक्यूज में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एड्स सबसे पहले किस ईयर में रिपोर्टेड हुआ था? 1981 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। देन नेक्स्ट इज पैथोजेन, इट इज कॉज्ड बाई एच आई वी। किससे होता है? एड्स इज कॉज्ड बाई एच आई वी। एच आई वी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये क्या है? एच आई वी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। इसके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? दैट इज आर एन ए जीनोम। वायरस के पास, ये जो एच आई वी वायरस होता है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? आर एन ए जीनोम प्रेजेंट होता है, और ये एच आई वी ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, जिसे क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस बोलते हैं। एड्स सबसे पहले रिपोर्टेड हुआ था अमेरिका में 1981 में। किससे होता है? इट इज कॉज्ड बाय द एच आई वी वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस से होता है। ये एक ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है जिसे रेट्रोवायरस बोलते हैं, और इसके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? दैट इज आर एन ए। देन नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब किस तरीके से एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। मीन्स जैसे एड्स है वो किसी भी पर्सन को हुआ है, उसके सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आने से ये डिजीज तुरंत ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मीन्स जिस पर्सन को एड्स हुआ है और हेल्थी पर्सन अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तुरंत ये डिजीज क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट From an infected person to a healthy person। अब हम हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर ने किस चेकअप नहीं किया कि मतलब उस पर्सन को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। पता लगा उसे एड्स हुआ है, उसका ब्लड किसी हेल्थी पर्सन में उसने ट्रांसफर कर दिया, तुरंत ही क्या होगी वो डिजीज, एड्स डिजीज जो है उस हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया ट्रांसमिशन का। तीसरा तरीका ये है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नेडल्स एंड सिरिंज। बिना देखे अगर डॉक्टर ने किसी पर्सन को, जैसे एच आई वी के किसी पेशेंट को उसने इंजेक्शन लगाया, उसको ऐसे ही रख दिया, फिर कोई पर्सन आया बिना देखे उसको भी लगा दिया, तुरंत ही क्या होगी ये डिजीज उस पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगी। तीसरा तरीका तो ये हो गया। फिर चौथा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू देयर फीटस थ्रू अ प्लेसेंटा। अगर किसी इन्फेक्टेड मदर, मीन्स कोई भी लेडी है वो प्रेग्नेंट है, उस समय उसे अगर एच आई वी हुआ है तब वो तुरंत ही वो डिजीज क्या होगी, एच आई वी जो है वो तुरंत उसके फीटस में ट्रांसफर हो जाएगी, वो डिजीज उसके बच्चे की हो जाएगी। तो ये चार तरीके होते हैं जिससे डिजीज क्या होती है, एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। सबसे पहला सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और तीसरा होता है नीडल्स या सिरिंज को शेयर करने से, और चौथा है प्लेसेंटा से। अगर किसी भी इन्फेक्टेड मदर को हुआ है तो प्लेसेंटा उसके फीटस को भी हो सकता है।
उसके बाद है HIV does not spread by a mere touch or physical contact. It spread only through a body fluid. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही बेसिक पॉइंट क्या है, ये जो एड्स होता है, ये जैसे कोई किसी भी पर्सन को एड्स हुआ, अगर हम उसके साथ रह रहे हैं या उसके कांटेक्ट में आ रहे, तब ये डिजीज बिल्कुल ही नहीं ट्रांसफर होगी जब तक उस पर्सन का कोई भी फ्लूइड मटेरियल हमारी बॉडी में इंटर नहीं करेगा, तब तक ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होती। मीन्स टच करने से या फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से या उसके साथ रहने से एड्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, जब तक उस पर्सन का कोई भी फ्लूइड मटेरियल, कोई भी लिक्विड पार्ट, जैसे उसने किसी ग्लास से वाटर पिया तो उसका क्या होगा, स्लाइवा उस ग्लास में लग जाएगा। हमने भी उसी ग्लास से पानी पी लिया, तब उसमें स्लाइवा उसका उस ग्लास में लगा था ना, तुरंत ही वो डिजीज हमारे ट्रांसफर हो सकती। मींस जब तक उस पर्सन का कोई भी फ्लूइड मटेरियल हमारी बॉडी में इंटर नहीं करेगा, तब तक एड्स डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। फिजिकल कॉन्टैक्ट में या मियर टच करने से, मींस उसको टच करने से या उसके साथ रहने से ये डिजीज कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। उसके बाद देयर इज अ टाइम लॉग बिटवीन अ 5 to 10 ईयर बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंसेस ऑफ द सिम्टम्स। सबसे पहली बात तो ये है, एड्स जब डिजीज होती है तो इसके सिम्टम्स अपीयर होने में बहुत समय लग जाता है। जब तक समय लगता है तब तक इसका जो पैथोजन होता है, मीन्स जो HIV होता है, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो इसके सिम्टम्स और अपीयरेंसेस होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी और भी बहुत सारे पैथोजन से क्या हो जाती, इन्फेक्टेड हो जाती है। द नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ HIV। एड्स इज कॉज्ड बाई HIV। एड्स किससे होता है, HIV वायरस से होता है। अब ये लाइफ साइकिल कैसे चलती है, आफ्टर गेटिंग एंट्री इन टू द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, द HIV वायरस अटैक द इंटर द हेल्पर मैक्रोफेज, इन साइड द मैक्रोफेज द RNA ऑफ द वायरस रिप्लिकेट विद इन द हेल्पर हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड गिव राइज टू द वायरल DNA। इसमें क्या होता है, HIV एड्स किससे होता है, HIV से होता है। सबसे पहले ये जो HIV वायरस है, मीन्स ये जो उसका पैथोजन है, सबसे पहले HIV वायरस अटैक किस पे करता है, इंटर किस पे करता है, हमारे मैक्रोफेज पे। सबसे पहले किस पे अटैक करता है, मैक्रोफेज पे। उसके बाद इसी मैक्रोफेज के अंदर क्या होता है, वैसे तो प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA से mRNA का बनना। DNA से जब mRNA बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट जब HIV इंटर करता है, ये वायरस इंटर करता है, तो ये प्रोसेस को उल्टा कर देता है। मीन्स RNA DNA में चेंज होने लगता है। क्या होने लगता है, क्योंकि वायरस के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, RNA प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये RNA को DNA में चेंज कर देता है। कौन सी एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये पेपर में पूछा जाता है कि ये जो वायरस होता है, ये RNA को जब DNA में चेंज होता है, बाय विच एंजाइम, किस एंजाइम की हेल्प से, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो मैक्रोफेज के अंदर क्या हुआ, क्योंकि ये जो HIV वायरस है, सबसे पहले मैक्रोफेज पर अटैक करेगा, इसी मैक्रोफेज के अंदर प्रोसेस क्या होगा, अपोजिट होने लगेगा, मींस RNA से DNA बनेगा बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद इतना प्रोसेस हो गया, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया तो क्या होगा, वायरल DNA का फॉर्मेशन करने होने लगेगा। ये क्या होगा, ये हमारे DNA को वायरल DNA बना देगा, क्योंकि उसने प्रोसेस को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो वायरल DNA का फॉर्मेशन होने लगा। उसके बाद देन दिस वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट DNA एंड डायरेक्ट द सेंसेस ऑफ वायरस पार्टिकल। अब इसने वायरल DNA बना दिया, तो ये क्या होगा, इससे जो HIV होगा वो अपनी पूरी कॉलोनी बना लेगा, वो अटैक करते जाएगा हमारी बॉडी पे, और पूरा बोल सकते हैं, ऐसे हम सिंपली बोल सकते हैं, कब्जा कर लेगा। ये मैक्रोफेज पे क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी बना लेता है, और बहुत सारे वायरस पार्टिकल को वो मैक्रोफेज के अंदर प्रोड्यूस करने लगता है। एट द सेम टाइम, इसी के साथ साथ HIV इंटर द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। मैक्रोफेज पे तो उसने अटैक कर ही दिया, उसके बाद HIV इंटर किस में करेगा, हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करने के बाद इट रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस अ वायरल पैथोजन हियर। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे भी अटैक करने लगेगा, और इसमें भी अपने, इसने तो मैक्रोफेज पर अटैक करके वहां पे वायरस के पार्टिकल तो बना ही लिए थे, अब ये क्या करेगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर भी अपने वायरस पार्टिकल बना लेगा।
इसी के साथ साथ दीज नियरली फॉर्मड पैथोजेन वायरस गेट रिलीज इनटू द ब्लड अटैकिंग द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब जब कंटिन्यूस अटैक कर रहा है तो ब्लड क्या करेगा, वो जितनी हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनेगी वो कंटिन्यूस उस हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा और वहां पे वो पूरी अपनी ही कॉलोनी बना लेगा। तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, ये पैथोजन हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक कर रहा है जिसकी वजह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर कंटिन्यूस क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। द नेक्स्ट इज, अब कंटिन्यूस क्या हो रहा है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पैथोजेन होता है वो कंटिन्यूस हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स को कम कर देता है जिसकी वजह से एड्स में क्या होता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स ही डिक्रीज होते हैं। द नेक्स्ट इज, HIV इन्फेक्टेड पर्सन में बी इन्फेक्टेड विद अ माइकोबैक्टीरियम वायरसेस एंड फंगी एंड इवन अ पैरासाइट दैट इज टैक्सोप्लाज्मा। अब HIV का पैथोजेन तो इंटर कर ही रहा हमारी बॉडी में, साथ साथ में जब हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाती उस पैथोजेन से, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पैथोजेन, अलग अलग वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स हमारी और बैक्टीरिया हमारी बॉडी को क्या करते हैं, पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से कोई भी अब उस HIV इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता, उस पैथोजन से वो फाइट नहीं कर पाता। उसके बाद अब इसका डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है, ELISA टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट SA। ट्रीटमेंट क्या है इसका, कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। एक यूज किया जाता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए लाइफ स्पैन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बाकी एड्स को पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं करता है। एड्स हैज नो क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका बचाव ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये स्लोगन बोला जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि ये स्लोगन किस डिजीज में बोला गया था, क्या है, एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज अ बेस्ट ऑप्शन। अब प्रिवेंशन किस तरीके से हम एड्स से बच सकते हैं, एजुकेट द पर्सन अबाउट द एड्स, हर पर्सन को एजुकेट करना चाहिए कि डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है या उससे हम प्रिवेंट कैसे रह सकते हैं, और हमें यूज करना चाहिए सेफ ब्लड को फॉर द ट्रांसफ्यूजन। अगर हम ब्लड किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो वो सब प्रॉपरली देख के ही लेना चाहिए। उसके बाद यूज ऑफ द डिस्पोजेबल नेडल, नई सिरिंज या नई नेडल का यूज करना चाहिए। ये सब है किसके, प्रिवेंशन किसके, एड्स के। अगर हम इन सब प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो एड्स डिजीज से हम प्रिवेंट रह सकते हैं। हमने इस पूरे लेक्चर में एड्स के बारे में पढ़ा, लाइफ साइकिल ऑफ द HIV के बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर में हम कैंसर के बारे में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।